सेम रात की आवाज बड़ी तहे क्लियर है। आवाज़ और वीडियो बताएगा क्लियर क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली आइफ्लिंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपके साथ। और आज जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको दो जगह पर शौक करवाएंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का शौक आपको आज देखने को मिलेगा। लाहौर में इस वक्त इस छत ने बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट दिए हैं और कई अरसा से ये तरीक़ाकार चल रहा है और कि ये कभी छत को चेंज करते हैं कि एक साइड पर, कभी एक साइड पर, कभी एक साइड पर। उससे पहले जो इनकी छत मुस्तकिल चलती रही उस पर माशाल्लाह कई दफ़ा ये चैम्पियन भी हुए हैं। और उसके बाद दो साल इनको लग गए छत को जो है बनाने में और उसको मेंटेन करने में। और अब दो साल के बाद इस साल माशाल्लाह दोबारा से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ तकरीबन तमाम तर 1-to-1 मुकाबले जो है ज़्यादातर इन्होंने विन किए हैं। और उसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी टॉप 10 पोजीशंस के अंदर ये छत आती रही है। अगर हम बात करें इस साल की तो इस साल जहाँ कहीं भी आप देखें पंजाब में, लाहौर में, तो ज़्यादातर जो आपको छतें आगे आती नज़र आएंगी वो सब की सब नौजवान खिलाड़ियों की छतें। अगर आप पंजाब में जाएं तो सबसे पहले हम पिपला से स्टार्ट करें तो वहाँ पे इस दफ़ा सबसे बेहतरीन और बेस्ट जो परफॉर्मेंस आती जा रही है वो उस्ताद अकमल खान ऑफ पिपला, उनके साहबजादे जनाब उस्ताद फारूक आज़म खान ऑफ पिपला, उनकी पोजीशन बहुत ही आला और बड़ी ज़बरदस्त आई है। और आज उनका जो है 11वां दिन है और फाइनल डे है जेट का, माशाल्लाह आज भी इनकी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हालांकि सुबह तूफान भी हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो सियालकोट में उस्ताद नुमान भट्ट और उस्ताद शुएब जट वाली जो छत है, छत हमजा गौस, उसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी। सियालकोट चैम्पियन भी हुए इस साल, 3 रोज़ा जेट के चैम्पियन भी वो हैं, 5 रोज़ा भी और 7 रोज़ा भी। हर जगह पर इस दफ़ा नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो काबिले कदर और काबिले सताइश परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में उस्ताद मियाँ हामिद साहब इस दफ़ा जेट के चैम्पियन हुए, बड़ी शानदार परवाज़ें और बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा। लेकिन अब जिस छत पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये छत भी एक नौजवान खिलाड़ी की ही छत है। बेसिकली तो इस छत का ताल्लुक उस्ताद बाबू शम्स पार्टी से और ये खुद शागिर्द जो हैं उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, हर शख्स उनके नाम को जानता है और उनका नाम भी मैं ये कहूँगा कि जीत की ज़मानत है। तो आज जिस शख्सियत से हम इस वक्त आपकी मुलाकात करवाएंगे, एक तो वो उस्ताद बाबू शम्स पार्टी का एक इंतहाई अहम हिस्सा है, अपनी इस लाबाली उम्र में, नौजवान उम्र में वो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के शौकीन रहे, बड़े अरसे से शौक़ कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम ने इनको उस्तादी पग से भी नवाजा और इस वक्त वो उस्ताद भी हैं। और परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस दफ़ा बहुत से लोगों की नज़रें उनकी छत पर थी, इंतहाई अहम 1-to-1 मुकाबले भी थे उनके, हर जगह से 1-to-1 मुकाबले जो है उन्होंने माशाल्लाह खातिर ख्वाह जो है जीत के साथ, विक्ट्री के साथ, परफॉर्मेंस के साथ जीते हैं।
हम उनसे बात करेंगे, उनसे डिटेल लेंगे कि किन किन छतों से उनका मुकाबला हुआ। अगर तो वो नाम मेंशन करना चाहेंगे तो उनकी मर्ज़ी है, नहीं करना चाहेंगे तब भी उनकी मर्ज़ी है। तो टोटल बताना चाहेंगे तो टोटल भी पूछेंगे, मज़ीद जो टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में भी पूछेंगे। आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल उन छतों के लिए होती है जो छतें वन टू वन मुकाबले भी खेल रही होती हैं और साथ साथ वो टूर्नामेंट्स भी उड़ा रही हैं। क्योंकि टूर्नामेंट्स में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एवरेज को देखना होता है, जबकि वन टू वन मुकाबलों में हिट, एवरेज और पर तीनों चीज़ों का ख्याल किया जाता है। और उन चीज़ों के साथ साथ टूर्नामेंट्स को लेकर चलना होता है, उन लोगों के साथ फ़ाइट हो रही होती है जो सिर्फ टूर्नामेंट उड़ा रहे होते हैं और उन्होंने एवरेज पूरी कर ली। तो ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला, किस तरह से सर हुआ और किस तरह से कबूतरों की इस दफ़ा परवाजें आईं, किस तरह उनको इस दफ़ा के मौसम किस तरह से उनको टकरे, जैसे कि हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरे पंजाब का मौसम ख़राब था। लाहौर में भी दो फिरतों में तेज़ हवाएं, बड़ी शदीद हवाएं आई हैं। तो हम बात करते हैं उस्ताद नवीद जट साहब से, हमारे साथ हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं उस्ताद बहुशम्स पार्टी के और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट हमेशा ही आता है आपका, लेकिन दो साल से चूँकि छत की मैनेजमेंट में थोड़ा फ़र्क आ रहा था, कभी आप छत को थोड़ा बना रहे थे, फिर ज़्यादा किया, फिर उसको और बढ़ाया, अब आके दो साल में ये छत ये वाली कंप्लीट हुई। पहले पुरानी छत से तो आपके खातिर खा कामयाबियाँ, उनमें काफ़ी चैम्पियंस के भी एजाज़ हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स के, जेट के, यसू के, वसाक के, हमारे मैगज़ीन की भी नज़र रहे हैं आपकी वो तमाम कामयाबियाँ, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के जितने मैगज़ीन्स हैं सब में वो जो है आपकी कामयाबियाँ छपती रहीं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जो लोग कबूतर परवरी से ताल्लुक़ रखते हैं या मैगज़ीन्स देखते हैं या वीडियोज़ देखते हैं, उम्मीद है कि वो तमाम लोग आपको नाम से ऑब्वियसली जानते होंगे। इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट आया, थोड़ा बहुत टूर्नामेंट्स में ये हुआ कि आप टॉप 10 पोजीशंस में रहे हैं, जो मेन इवेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क यूँ भी आया कि वहाँ पे इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परवाजें नहीं, उस्ताद मियां आमिर साहब की वो बिल्कुल ऊपर आए, लेकिन काफ़ी टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में खेले और उनमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। वन टू वन मुकाबले इस दफ़ा आपके बहुत शदीद किस्म के थे और तादाद भी बड़ी थी, तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं कि पहले तो वन टू वन मुकाबलों से स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा ये बेसिकली पार्ट टाइम शौक है, मेरा ये कोई सारा दिन या हर सीज़न ये मेरा शौक नहीं है, मेरा ये पार्ट टाइम शौक है। पार्ट टाइम शौक के अंदर मैं जितना पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। उसके अलावा आप ये देखें कि लाहौर के अंदर इतने इतने बड़े ज़बरदस्त टूर्नामेंट हैं और इतने इतने बेहतरीन प्लेयर हैं जो कि बेहतरीन रिज़ल्ट हैं, जिसके उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। बिल्कुल ऐसी, वो एक नामवर प्लेयर, अच्छे उनके मेरे से भी ज़्यादा अच्छे कबूतर उनके पास और मेरे से ज़्यादा वो काबिल लोग ही हैं, लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि यार एक दिन मैं वो बंदा हूँ कि मैं इन लोगों का नाम सुनता होता था। हाँ। यार ये कैसे आला प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसी, लेकिन एक वक्त आज ये है कि मैं उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं उनके टूर्नामेंट के अंदर, आप ये देखें टॉप 10 के अंदर रहना लाहौर शहर जैसे, वो बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, जब आपके वन टू वन मुकाबले लगे हों, मेरे इस दफ़ा मेरा ख्याल है 44 घर के साथ ना वन टू वन मुकाबले थे। अच्छा ठीक है जी, 44 ये पैकेज वाले मिला के? पैकेज वाले मिला के जी, बिल्कुल। आप ये देखें कि जब टूर्नामेंट हो रहे होते हैं ना उसके अंदर वन टू वन जब मुकाबले हो रहे होते हैं ना बहुत फ़र्क आ जाता है। आपने टूर्नामेंट के अंदर अपने एवरेज वाइज कबूतर जो है ना वो उड़ा रहे होते हैं वन टू वन, अभी लाहौर शहर के अंदर वन टू वन मुकाबले खेलना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जो लोकेशन वाइज आप देखें ना तो आपकी छत भी कोई मेरी आपके अकेली जगह पर नहीं है, बहुत गुंजान आबादी एरिया है सारा, इस एरिया में ही काफ़ी छतें हैं, बहुत छतें हैं बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि मैं कहता हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इन जैसे प्लेयरों के अंदर ना पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और टॉप 10 के अंदर खेला हूँ। बिल्कुल, वन टू वन मुकाबले भी खेलने हैं, किसी से जीते किसी से हारे, ये नहीं कि मैं ये सारे जीत गया हूँ, मैं मेरा ख्याल है ज़्यादा तादाद में मैं जीता हूँ, कम तादाद में मैं हारा हूँ। ठीक है ना, अब मियाँ नज़ीर पार्टी है बेहतरीन बड़ी पार्टी है, उनके अंदर मेरा ख्याल है 5-6 से मैं ही जीता हूँ, 5-6 वो मेरे से जीत गए, इस तरह ही है बस, इस तरह ही आप रियाज पार्टी के साथ हैं उसी तरह उनके साथ भी। फिर मेरे वन टू वन मुकाबले थे वो जो सबसे ज़्यादा मज़े के वो मुकाबले होते हैं। बिल्कुल, वन टू वन मुकाबले थे वो सबसे ज़्यादा मज़े के वो होते हैं। उनमें से तकरीबन आप ये देखें कि मैंने 2 या 3 लोगों से हारा हूँ, मेरे
18 घरों के साथ थे वो। अच्छा। और 15 घरों से मैंने 1-to-1 मुकाबले जीते हैं। जीते और तीन घरों से मैं, मेरा ख्याल। अच्छा, क्या नौयत थी, मतलब हिट एवरेज पर, हर चीज पर, हर चीज ही लगी वो मजे की बाजी होती है। ये जो होते हैं हमारे पैकेज के मुकाबले, ये आप हिट है, अगर आपके ऊपर से तीन नहीं आए, चार नहीं आए, एक आ गया, छह बजे बैठ गया, तो वो आप जीत जाते हैं बिल्कुल हिट की। लेकिन उसमें मुझे इतना ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये किसी की दिल आजारी चाम नहीं है उसमें, उसमें मुझे कोई इतना चाम नहीं है ना। मुझे है कि यार कोई अगर कबूतरबाजी आप देखे ना, ना वो तो पार्टी बाजी है ना, पार्टी की वो एक मजबूरी होती है, वो जो भी आपने देनी है वो, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता। और वैसे भी मुझे हार जीत से कोई इतना नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे अच्छे परिंदे उड़ रहे हैं। अभी आप देखें, अभी जेट के अंदर मेरा विसाख के अंदर बहुत ही माठा किस्म का रिजल्ट था, थर्ड क्लास आप कह सकते हैं उसको। और हम बड़े परेशान भी थे कि यार ये क्या हो रहा है। बस वो इसलिए हुआ कि कुछ कबूतरों के अंदर वायरस था, काफ़ी ज़्यादा था। अगर आपके कबूतर शाम को बैठ रहे हैं तो वो 2 घंटे बाद वही कबूतर वो नीचे आप समय लेके फारिग हो जाते थे, या सुबह मर जाते थे। जब मेरे पास कोई मुनसब भी आते थे तो मैं 2-3 अपने कबूतर खुटों में से मरे हुए निकालता था। तो इससे बेहतर का मेरे जितने मेरे साथी थे, उन्होंने मुझे, बाद लोगों ने मुझे कहा कि यार छोड़ दे बाजी, आपसे दे दे ख़त्म कर दे। मैंने कहा नहीं यार, उड़ा के देंगे, कोई बात नहीं, नुकसान होता ना हो जाए, लेकिन उड़ा के देंगे, वैसे नहीं पीछे होता। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने उड़ाए, उसमें मेरा बहुत यानी कि गंदा आप समझने के रिजल्ट आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे 15-20 कबूतर थे जो बचे हुए थे जेठ वाले, जो मैंने लास्ट टाइम हार में बच्चे भी उड़ाए थे, तो वो कुछ बच्चे थे, वो फिर मैंने उनको दूसरे घर में शिफ्ट किया, फिर उधर से ला के वो बस उनको उड़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, मेन कंपटीशन 1-to-1 मुकाबलों में अगर देखा जाए तो किन लोगों से रहा? यार जैड खान एक बहुत बड़ा नाम, उस्ताद जैड खान, लास्ट ईयर के जो है बड़ी परफॉर्मेंस वाली, वो हर दफ़ा जी वो परफॉर्मेंस है उनकी, वो आप असू देख लें, जेड देख लें, यानी कि वसाख देख लें, वो बेहतरीन परफॉर्मर है। उनके साथ मेरा 1-to-1 मुकाबला था, मैं जीता उनसे। उस्ताद जब्बार सनियारा, मेरा 1-to-1 मुकाबला था उनके साथ, मैं जीता उनसे। हसन उस्मान देख लें आप, मेरा उनके साथ 1-to-1 मुकाबला था, मैं जीता उनसे। इसी तरह ही है, अभी ये मियां नदीम असलम मंडिया वाले, मेरा उनसे था डायरेक्ट मुकाबला, और वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी छक्त है और बेहतरीन प्लेयर है, और लोकेशन भी बेहतरीन है, ठीक है, बिल्कुल। हिट मैं उनको जीत गया, एवरेज वो मेरे से जीत गए, ठीक है ना। लेकिन ऐसे प्लेयरों के साथ आप एक नामवर प्लेयरों के साथ खेलना, हार जीत नहीं देखनी, उनके साथ मैं जब खेलना ही बहुत है, वो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे मज़ा आता है एक अच्छे प्लेयरों के साथ खेलने के लिए, और कोई चीज़ नहीं है। बकाया मेरे पास जितना भी टाइम होता है, मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उतने टाइम के अंदर अपना ये शौक कर रहा हूँ और लाहौर लेवल के लोगों के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। पिछले 2 साल पहले जब आप चैम्पियन भी रहे हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स थे जिनके आप चैम्पियन हुए, उसके बाद 2 साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। नहीं, इस साल वसाख में तो ऐसा लग रहा था कि शायद जेट उड़ेगी ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल थे हालात ऐसे ही, यही हालात थे कि जेट शायद ना ही उड़ाएंगे। जो भाई बात ये होती है कि आपके ना परिंदों ने उड़ना होता है, बिल्कुल ऐसा, बंदों ने नहीं उड़ना होता, ना नवीद ने उड़ना है, ना कामरा ने उड़ना है, ये परिंदों ने उड़ना है। अगर आपके बंदा सुपर फिट है ना तो वो भाग सकता है, आपके परिंदे फिट हैं तो वो ही उड़ेंगे, अगर आपके परिंदे ही फिट नहीं हैं तो वो नहीं उड़ सकते, जो मर्जी कुछ कर ले। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो वसाख की जो हालत थी जी, उसमें तो हमने सोचा था कि शायद नवीद भाई स्किप कर देंगे, बाजियाँ ख़त्म हो जाएगा, नहीं उड़ाएंगे, चले जाएंगे वापस इस्लामाबाद, अपने काम में लग जाएंगे। ऐसा तो कैसे बूस्ट आया, ये हिम्मत कहाँ से आई कि नहीं यार कोशिश तो करनी है और उसके बाद ये कामयाबी? मेरे पास मेरा ख्याल 20 परिंदे थे जो वायरस में, जिनमें नहीं था, और मैं जिनको वसाख, लेकिन उसमें उम्मीद नहीं होती ना इंसान को, 20 परिंदों में मैं क्या करूं, वसाख में उड़ाए भी नहीं थे, बड़ी सी कोई वाइब्स थी अंदर से कि नहीं यार खेलते हैं शायद। लेकिन मुझे ये था कि यार ये मेरे हार्ड वाले बच्चे उड़े हुए हैं और ये अच्छे उड़े हुए हैं, गर्मी में अच्छे बच्चे उड़े हैं, साल जो अगर ये रह गए तो मैं इतना तो लड़ लूंगा कि चलो हाथ से देने से बेहतर है कि उड़ा के दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि बाजियां तो आपकी पहले लगी होती हैं, कि ये तो नहीं होता कि आपकी 28 को बाजी और 27 को बाजी लग जाए। कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो 27 वाले दिन भी फ़ोन करके बाजी लगाते हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक, कब मेरी ये मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी बंदे को बाजी के लिए फ़ोन नहीं किया। सही, जिसने किया खुद, जिसने जो उनका मर्जी बड़ा नाम है, जिसने मुझे फ़ोन किया मैंने उसको कभी इनकार नहीं किया। सबसे टफ कौन रहा है इस दफ़ा? यार सारे टफ हैं यार, इधर आप ये नहीं है, वो बिल्कुल हैं तो सारे टफ, लेकिन ये होता है ना कि एक कंपेटिटर ऐसा होता है जो आखिरी दिन तक ऐसा होता है कि यार पता नहीं इससे हम जीतेंगे कि ये जीतेंगे। जेड खान,
अच्छा बड़ा नाम जबार से बड़ा सही आज़म खाकी ठीक है डॉक्टर फरीद की छात्र असल मियाँ नदीम मंडिया वाले बेहतरीन छात्र माशाल्लाह वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मैं उनसे बहुत पीछे हूँ लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि यार अगर आपने अच्छी कबूतरबाजी करनी है ना और आपने फेयर सबसे बड़ी बात है फेयर कबूतरबाजी करनी है तो आपका ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए बस बिल्कुल ठीक है ना आपके जहन के अंदर कभी भी किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपने राइट लेफ्ट कुछ करके तो मैं ये नेवर इस तरह का कोई शौक इससे बेहतर है कि आप बंद कर दें ख़त्म कर दें बिल्कुल जी टूर्नामेंट्स की क्या पोजीशंस रही यार टूर्नामेंट्स मैंने तकरीबन लाहौर के अंदर 10 टूर्नामेंट्स जो बड़े थे वो उड़ाए हैं ठीक है ना जैसे आप लाख वाला कप रुस्तम लाहौर वो आप इसको कवरेज कर बिल्कुल फातह लाहौर वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट उससे मैं ये थी मैं उससे बड़ा कुछ सीखा हूँ कि 4 दिन मैं उस टूर्नामेंट के अंदर 6ठे और 7वें नंबर पर रहा बिल्कुल ना मैं अगर मैं ऊपर नहीं गया तो मैं नीचे भी नहीं गया कांस्टेंट रहे ठीक है यानी कि इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी कि मैं अपने परिंदे जो भी थे एवरेज और मजे की बात है कि जज्बाती नहीं हुआ कि यार अब चौथा दिन लगाओ शायद एक दो पोजीशन ऊपर ही आ दिया कि जी हम यार आप ये क्या कर रहे हैं बाजियां हार रहे हैं कुछ मैं क्या कुछ नहीं होता यार पहले ये 4 दिन वाला काम खत्म करें उसके बाद देखते हैं ठीक है एंड ऑफ द डे आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजियाँ भी जीता हूँ मैं टूर्नामेंट के अंदर मेरा नाम भी आया मेरे लिए इस सबसे बेहतरीन बात यही है बस बिल्कुल ऐसी है तो उसके अलावा फातह लाहौर में भी थे और फातह लाहौर में मेरा ख्याल है मैं 3rd या 4th नंबर पर आया हूँ बिल्कुल ऐसी यार जितने भी मैंने आपको कहा कि अच्छे टूर्नामेंट थे मैं उनके अंदर मैंने जितने भी लाहौर में थे एक आधा टूर्नामेंट वो हम होते नहीं है वो आपको पता है पार्टी बेस ऐसी है वो हमने वो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया बकाया जितने भी टूर्नामेंट थे मैं उड़ा हूँ और सब मेरा ख्याल है इस दफ़ा 10 टूर्नामेंट सारे नामवर छते थे हर टूर्नामेंट में हर देखिए टूर्नामेंट में खासतौर के जेट के जो टूर्नामेंट होते हैं वो नामवर प्लेयर ही उड़ते हैं माठे प्लेयर का काम नहीं है जेट उड़ना बिल्कुल सही वो जो अच्छे प्लेयर होते हैं वही जेट में आते हैं तो वो जो आते हैं उसके अंदर से आप ये देखें कि अगर 80 प्लस छतें उड़ रही हैं उसके अंदर मैं अगर 8वें 7वें नंबर पे आया हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो 80 जो लोग थे मेरे से तो बेस्ट थे लेकिन उनके इतने अच्छे कबूतर नहीं उड़े जितने अच्छे मेरे कबूतर उड़े हैं और मैं नामों में आ गया बिल्कुल ऐसी अभी जो कबूतर आपके पास उड़े हैं वो कौन कौन से थे कबूतर यार मेरे पास मेरे घर के कबूतर हैं सारे मुझे जो वो पिछले हार्ड के आप बता रहे हैं बिल्कुल मेरे घर के कबूतर हैं मैं कुछ आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सही जो मेरे अभी जीट में उड़े हैं हाँ अभी अब चलवा लें बात हैं ज़रा कम हो गई पंखा चला मैं आपको जेट में जो मेरे कबूतर अभी उड़े हैं और ये मेरे हार्ड में जो बच्चे उड़े हुए थे ये वही बच्चे हैं और वही उड़ा रहे हैं बेहतरीन बिल्कुल जी 300 लोग हमारे साथ हैं जिनमें उस्ताद मलिक राहील साहब भी बड़ी मेहरबानी अगर वो भी आपको वॉच कर रहे हैं हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं ये आ रहा है नाम ये देखिए ये मेरी बड़ी मेहरबानी है इसको ज़रा सही कीजिएगा ताकि वो चलता रहे ये मेरी टैडी ये मेरे हाड़ में बचे हुए और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक चौथी बाजी में कबूतर काम हुआ जब पागल है और एक छठी बाजी में मेरा लेकिन कपूर मेरा सिर्फ एक कबूतर काम हुआ है वो भी चौथी बाजी में क्या बात है यार इसको माशाल्लाह ये देखें जी ये उड़े हुए कबूतर आपको दिखा रहे हैं और ये वो कबूतर हैं जिन्होंने इनको कामयाबी से हमकनार किया अब वो लोग जो कहते हैं कि अच्छे कबूतर की निशानी क्या है वो यही निशानी है सारी जो आज आपको कबूतर दिखा रहे हैं तो इनमें बताने वाली और मज़ीद बात कोई नहीं आंखें ऐसे मैंने कर दी जैसे बल्ब भी होते हाँ और यही इनकी यही निशानी है सबसे फतह की निशानी है बिल्कुल जब आपकी कबूतर की आंखों में चमक आ जाए इसका मतलब है कि आपका कबूतर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट प्यार बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे पर अच्छा एक चीज़ हमने नोट की है इस दफ़ा मलिक साहब से ज़रा के साथ बैठे हुए हमारे साथ उस्ताद मलिक सलीम साहब और सीनियर उस्ताद हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे जो मैं बात इनसे पूछना चाहूँगा मलिक साहब एक निशानी हमारे यहाँ आती थी सारे कहते अच्छे कबूतर की निशानी में निशानियों में ये बताते थे कि यूँ ऊपर अंदर की तरफ जाए वापस लेकर आएगा ना वो हाँ लेकिन इस दफ़ा मैं उस्ताद मियाँ हामिद साहब के पास भी गया हूँ उधर हमने सियालकोट भी देखे हैं जहाँ जहाँ चैंपियन छतों पे कबूतर देखे ना वो ये इस तरह स्ट्रेट पल्लों के बहुत परवाजें ज़्यादा कर दी और थोड़े से कबूतर ये लंबे जाते अच्छा
ये गोल गेड़े में नहीं आते, थोड़े से लंबे जाएंगे वापस आएंगे। सही। जितना पर चौड़ा हो जाएगा अंदर खम खाएगा वो जल्दी गोल गेड़े में आ जाएंगे, घर बैठने वाले पोजिशन में आ जाते हैं। बिल्कुल सही हो, इसलिए ये ज़रा लंबी प्रवासन तक चले जाते हैं इस तरह। ये भी टैडी कबूतर है जी, ये भी टैडी हैं, सलारे सलारे टैडी। क्या बात है आपकी। बेसिकली मैं इनको रिच बोलता हूँ। रिच 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 ब्रीड। लेकिन ये टैडी कबूतर रिच मतलब रिच बियर नहीं नहीं रिच, रिच अमीर। हाँ जी मैं इनको बोलता हूँ बेसिकली ये बड़े दिल के पास कबूतर हैं ये। क्या बात है। और ये माती मेरा ख्याल है किसी भी बाजी में भी मेरा ख्याल 2 बजे से नहीं 1 बजे से पहले किसी बाजी में नहीं बैठे। और ये कितनी सी माती है ये, कितनी सी माती है ये, छोटी सी, ये छोटी सी माती है बिल्कुल। मैंने इस जेठ की बाजियों में ना नीचे बैठ के खुद कबूतर उड़ाए हैं, खुद कबूतर संभाले हैं और मैंने बड़ा कुछ सीखा है। क्या बात, बहुत कुछ सीखा है कि कबूतरबाजी है क्या। अच्छा आपके साथ यहाँ पर कौन रहा कि बाद का तो होता है ना कि यार कोई ना कोई मशवरा किसी से चलता रहे। यार देखिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो मेरे साथ बड़े ही मुखलिस हैं, अल्लाह पाक उनको ऐसे ही मुखलिस करे। ठीक है जी, मैं उनका नाम भी लेना पसंद करूँगा इसमें कोई। जी जी, मियाँ मोशी साहब, उस्ताद मियाँ मोशी साहब, उस्ताद हकीम सलमान, चैंपियन भी तो कहते हैं ना पिछले साल के चैंपियन लाहौर है। बिल्कुल हकीम सलमान साहब, बिल्कुल क्या बात है। ये मेरे बेस्ट दोस्त हैं जी, मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी लिया मैंने और मैं इनसे बड़ा कुछ सीखा हूँ। ठीक है, और उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया भी है। ऐसे बंदा बाद के बाद होते ना ऊपर से यार ये इस तरह करते नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया भी है। बहुत अच्छा। ठीक है ना, उन्होंने मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नाम ना लूँ, मुझे ज़रूरत है कि मैं नाम लूँ। मैं और ये भी कहना चाहता हूँ यंगस्टर को कि अगर वो सीखना चाहते हैं ना, यंगस्टर कोई भी सीखना चाहता है जो उनको एक अच्छा बंदा लगता है मुखलिस उससे सीखें। ये कबूतरबाजी समंदर है, ये किसी ने आपको सिखाना नहीं है, आपने खुद सीखना है। अल्लाह पाक ने ज़हन हर बंदे को दिया हो, हर बंदे को अल्लाह पाक ने ज़हन दिया लेकिन उसने इस्तेमाल खुद करना कि वो कैसे करते हैं। जी 400 से ऊपर लोग हमें देख रहे हैं और हम प्रवासी कबूतर दिखा रहे हैं, वो कबूतर जिन्होंने इस दफ़ा लाहौर में 1-to-1 मुकाबलों में उस्ताद नवीद जट साहब का पूरा साथ दिया और उस वक्त में साथ दिया जिस वक्त में उम्मीद थी कि नवीद जट साहब छत को बंद कर देंगे, ये हालात थे जी बिल्कुल ऐसे। और उस वक्त में इन कबूतरों ने उनका साथ दिया और बताया, उन्होंने कहा जी अगर मालिक साहब आप यहाँ बैठेंगे तो फिर हम उड़ेंगे। मैंने आपको बताया हाँ। कि बसात के अंदर मेरी टीम ने मुझे कहा है कि आपका नुकसान ज़्यादा हो जाना है तो दफा करें। मैंने कहा नहीं यार उड़ा के देंगे। हाँ चलो पूरा तो करें ना, मजा तो करें फिर अगले साल। लेकिन वो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमारे कबूतर बच गए और वो उड़ गए। बिल्कुल ऐसी। अब ये मेरा बच्चा उड़ा जी, 7 बाजी पूरे ही उड़ाए। ठीक है ना, तो ये भी बच्चा माशाल्लाह 7-8 घंटे 8-9 घंटे जो भी हमने इसे रिक्वायर्ड किए ये हमने इसने दिए हैं, इसकी भी मेहरबानी है। ये टैडी, ये टैडी बच्चा प्योर प्योर टैडी। क्या बात, बहुत आ कबूतर अभी भी ऐसे हैं कि दोबारा भी अगर कोई लगा ले तो लगा ले, पूरे फिट है, कोई ख़राब नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। बहुत ही आला मोर भी इसकी ऊपर ही नज़र आ रही है। क्या बात है माशाल्लाह जी, आज का जो हैप्पी संडे सेगमेंट है वो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हैप्पी हो गया होगा। ये लास्ट बाजी में डाला था, छठी बाजी मेरा कबूतर कम हो गया था फिर ये डाला, ये डाला था और ये लास्ट बाजी यही 3-18 पे यही बैठा जो फाइनल बैठा, जो फाइनल बैठा था उस दिन आपको भी पता कि फाइनल मेरा ख्याल इससे बाद 4-5 कबूतर ही लोगों के बैठे। अच्छा जी दोबारा अभी इस कबूतर पे नेटवर्क ख़राब हो गया था। ये क्लियर नहीं आ रहा, बाकी कबूतर क्लियर आए हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे मसला है कोई फ्लक्चुएट कर रहा है। जेड के अंदर कामरान साहब आपके पास एक अच्छी टीम भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी जेड के अंदर टीम बिना आप कुछ भी नहीं है। तो आपके पास वन मैन आर्मी मौजूद है वैसे। यही मेरा एक लड़का है जी, ये
इसी की बदौलत ये सारी कबूतरबाजी है। यही सुबह से लेके शाम तक जितने लोग भी आते हैं यही उनके साथ लगा रहता है, उनको खिलाता भी है पिलाता भी है, कबूतर भी सिखाता है, ये इसी की बात है। देखें जी, बोतल की तरह लोग कहते हैं ना कबूतर होना चाहिए। सेवन अप नजर आ रही है पूरी तो यार लोगों ने तो पता नहीं बोतल होनी चाहिए क्या नहीं, तो ये देखें ना आप। बस वही मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों की बातों पे जाएं तो खुदा के साथ हम एक दिन कबूतरबाजी ना करें, छोड़ दें। लोग इधर आगे क्या क्या कहते हैं, ये ऐसे ये ऐसे, वही कबूतर हमारे शाम को बैठ रहे होते हैं। लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका दिल करता है आप वो करें। क्या बात, सुने सबकी, करें मन की, करें। क्योंकि देखें कबूतर आपके हैं, आपके कबूतर हैं, आप ही नीचे बैठे हैं, आपको नीचे बैठा हूँ, मुझे बेहतर पता कि ये क्या कर रहा है, और घर के भी आपके निकले हुए हैं, आपको इससे ज्यादा इनको कोई नहीं समझ सकता। देखिए नहीं, कबूतर ऐसी चीज है, बड़े बड़े सीनियर उस्ताद हैं, वो आके ना गाइड जरूर करते हैं, लेकिन वो मेरे कबूतरों का टेवा लगा सकते हैं। बड़ी हाँ। सीधी बात है, ये मेरे कबूतर है ना, ये मुझे पता है या मेरे रब को पता है कि ये क्या है। बिल्कुल है। उस दिन हम उस्ताद मियां हामिद साहब के पास बैठे थे, वो एक ही बात उन्होंने यही बात उन्होंने की, उनके जी मेरे कबूतरों को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, मालिक के ज्यादा किसी हाँ। को नहीं पता। और वो यही कह रहे और आपके घर भी अगर मैं आऊंगा ना तो मैं अंदाजा तो लगा सकता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा आपके कबूतरों को। देखे ना जी, इधर माशाल्लाह बड़े बड़े आते हैं लोग, वो कहते हैं यार साहब ये यूं है वो यूं, मैं कहता हूँ बड़ी साफ बात, ये नहीं अच्छा, मेरा वही कबूतर शाम को बैठ रहा होता तो मैं कैसे कहूँ कि वो अच्छा नहीं है यार। अच्छा नवीन भाई, एक सवाल लोगों के लिए जी, इस जेठ में आपको एक दफ़ा मौसम ऐसा भी मिला जो हल्का मौसम, बिल्कुल हवाओं वाला जी, नमी भी अच्छी थी जी, भरपूर थी, 39 टेम्परेचर गया था हाई जी, और आपको 45 से 46 टेम्परेचर भी मिला जिसमें नमी बहुत कम थी जी, यहाँ तक कि हम जहाँ लिख रहे थे ना कबूतर उधर बैठ गए, इनको खुराकें लगानी पड़ गई थी हमें, जो लड़के थे कसम से ये हालात हो गए थे अंदर के, इन्होंने पानी पी पी के, इन्होंने 2.5 लीटर 3 लीटर पानी एक एक बंदा पी रहा था, वो बड़े कैन जो है ना दो ख़त्म कर दिए थे पी पी के पानी, ये हालात हो गए। तो क्या लुबे लुबाब निकाला मेन नई नस्ल जितनी भी अभी है, क्या सीखा, क्या मैंने कैसे सिलेक्शन, मैंने बड़ी ठोकरें खाई, क्या चेंज करना चाहिए, कैसे चेंज होता है सब कुछ या सेम ही चलता रहता है? नहीं नहीं जी, वेदर के साथ बड़ा कुछ चेंज होता है, ये कोई कहना कि जी कुछ नहीं चेंज होता है, गलत बात है। जब वेदर चेंज है तो आपके सारे कबूतर, उसका दाना पानी, उसकी खुराक, बड़ा कुछ चेंज करना पड़ता है। ये नमी मैं अपना कहता हूँ, जब मैंने 2-3 साल अच्छा चेंज जब लगा होता ना उड़ाया ना, मेरी बड़ा जबरदस्त चल जाता है, जब बिल्कुल ही माठा था मैं बिल्कुल ही पाई, पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से है मुझे इसी का पता नहीं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नमी होती मेरे कबूतर ही नहीं, मैं जो मर्जी कर लूँ नहीं होती, बड़ी सीधी सी बात। लेकिन जब गर्मी तेज होती है अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छे हो रहे। आप यार ये देखें, मियाँ अहमद बेहतरीन प्लेयर है, उसके बेहतरीन कबूतर है, उसके पास बेहतरीन कबूतर है, हम लोग असू भी खेलते हैं, बैसाख भी खेलते हैं, चेतर भी खेलते हैं, जेठ भी खेलते हैं, क्योंकि हम शौकीन आदमी हैं, वो भी शौकीन आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जेठ खेला, उनके कबूतर उनके परिंदे उनके पास बचे हुए थे अच्छे कबूतर, हमारे पास जो अच्छे परिंदे होते हैं वो हम गेम से पहले ही उनको पास करवा देते हैं, भगवा देते हैं। जब हमारे पास गेम के अंदर आना होता है हमने उसके पास 2-4 परिंदे रह जाते हैं, उसके फिर ऊपर हम जोर लगा रहे होते हैं जिससे हमने बाजियाँ भी लेनी है, उससे कप भी जीतनी, इस तरह की एक टीम में उड़ा रहा होता था दूसरे टीम में खेल रहा था, और बीडी बाकी किस्म जो कप में उड़ा रहा था उससे बेहतर थी, अच्छा उससे बेहतर थी, जो मैं कपों में या बाजी में उड़ा रहा था बीडी मेरी जो दूसरे टीम उठी थी वो उससे बेहतर थी, बीडी से मेरा चौथी बाजी की तरफ काम कर रहे थे, बादल थे मैंने इतनी बाजी डाली थी, 5वीं बाजी में मात्र 6 बजे बैठी थी, ठीक है, 6ठी बाजी मेरी वही 3:22 पर बैठी है, 7वीं बाजी वही मादी मेरी 3:02 पर बैठी है, फिर मेरा 6वीं बाजी कबूतर कम हुआ, मैंने बी टीम से कबूतर डाला, वो मेरा 3:18 पे 7वीं बाजी अभी जो दूसरा हाँ सर, और ये मेरे बेस्ट परिंदे बी टीम में मेरे अच्छे परिंदे थे, लेकिन वो पहले तैयार हो चुके हुए थे इसलिए उनकी बारी पहले आ गई। बिल्कुल, जेड के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि परिंदा आपका दिल होना चाहिए जेड के अंदर, कॉम्प्रोमाइज़ सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात आपकी सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन है।
सिलेक्शन अच्छी होगी। वो कौन कौन से लोग हैं जिनका आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? यार मेरे माशाल्लाह जो अच्छे दोस्त हैं ना, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी बात आप समझ गए, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो मुझे दिल से प्यार करते हैं या जिनको मैं दिल से प्यार करता हूँ, मैं उनको दो आंखों से जरूर करता हूँ। जो आपके मुंह के ऊपर कुछ हैं, पीछे जाके कुछ हैं, उधर जाके कुछ हैं, वो आपके कभी दोस्त नहीं है। सही, बड़ी सीधी सी बात, ना अच्छे दुश्मन ना अच्छे दोस्त, ना दोस्त, उनका कोई फायदा नहीं आपको। वो एक ना एक दिन वो आपको नुकसान ही करेंगे। उससे बेहतर है कि आपको अच्छे दोस्त की पहचान होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना और बड़े ज़बरदस्त परिंदे दिखाए। बहुत ही शानदार जो है इस दफ़ा रिज़ल्ट रहा है जी उस्ताद नवीद जट साहब का, और उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी परिंदे आपको हमने दिखाए हैं वो तमाम के तमाम आपको पसंद आए होंगे। और ये चूँकि महदूद टीम के साथ इस दफ़ा का शौक था, हम इनको नेक्स्ट ईयर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि उस साल तक उम्मीद है कि और परिंदे अच्छे तैयार हो जाएंगे। और अगर कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसी अभिनबी ना हुई जैसी इस दफ़ा हुई है, तो शायद रिज़ल्ट और कुछ बताएगा। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को हैप्पी संडे सेगमेंट में उस्ताद नवीद जट साहब की छत से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।